नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे पोल खोल अभियान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हम कह रहे हैं हुआ है, आप कह रहे नहीं हुआ है, आप उलझ क्यों रहे हैं, आप जनता के बीच जाए और सही स्थिति का आकलन करें। जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए राजगढ़ के खुजनेर निवासी मनीष कारपेंटर के लिए उन्होंने कहा कि हमारा अपना बेटा आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है, जो हमारे लिए दुख का समय है। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वह मेरे बड़े भाई हैं और कांग्रेस में उनकी अपेक्षा शुरू से हुई है, कांग्रेस उनका उपयोग करती है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। कपिल सिब्बल को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह बोल रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है, मगर समझ नहीं आता कि कांग्रेस कहां जा रही है। ट्विटर के माध्यम से सरकार की नीतियां तय हो रही है, उस पार्टी का क्या होगा। मुंगावली विधायक के बिगड़े बोल पर गृह मंत्री ने कहा कि यह अच्छे बोल नहीं है, वह हमारे भाई हैं, उनको अपनी भाषा शैली पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अच्छे बोल नहीं है, वरिष्ठ विधायक है राजा। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संयमित भाषा हो, राजनीति के अंदर सार्वजनिक जीवन जीते, यही कह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। सर कांग्रेस और आज सर कांग्रेस आज ग्वालियर में पोल खोलो अभियान चलाई जा रही है, कह रही है कि सहजता अभियान हुआ ही नहीं, छत्ता लगा हुआ है तो सार्वजनिक करें। भाई हम कह रहे हैं हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ, दोनों में उलझ क्यों रहे हो? आपको लगता है नहीं हुआ तो आप अपना काम करो, आप अपना कार्यक्रम करो, आप जनता के बीच तो जाओ। कोई नेता ए क्लास का जनता के बीच में जाते ही मिलेगा। बी टीम को एक्टिव कर दिया, उन्हें अधिकार नहीं है। मैंने कहा ना कि ऊहा पोह की स्थिति दिल्ली से यहाँ तक है, अभी सिर्फ दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही है, आप प्रतीक्षा करो, मध्य प्रदेश में भी आने वाली है वो बयान। सर शहीद मनीष की बात करें तो शव अब जो है रवाना हो चुका है, वो कई तरह की जो है सौगात है, दुखद क्षण है। हमारा अपना बेटा आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवार को 1 करोड़ रुपया उनके नाम पर उनकी मूर्ति का स्थापित करना, स्थान का नाम रखना, ये सारा का सारा घोषित किया है। लेकिन वास्तव में उन्होंने देश के लिए वो मर मिटे हैं, इसलिए जितना उनके लिए श्रद्धा के सुमन अर्पित की जाए उतने कम है। सिंधिया जी संघ कार्यालय गए, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि वह नागपुर में लोग उत्तम शरणम गच्छामि करते हैं, लेकिन सिंधिया जी संगम शरणम गच्छामि जा रहे हैं। देखिए आप लोग स्थान दे देते हो उन्हें, उनका संघ के बारे में क्या नजरिया है, देश के बारे में क्या नजरिया है, और संघ का देश के बारे में क्या नजरिया है। जो इस बात को समझ जाएगा वो फिर दिग्विजय सिंह को भी समझ जाएगा। गोविंद सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और उनकी उपेक्षा कांग्रेस में सदैव से होती रही। जब विभाग देने की बारी आई तो दौड़ के लाहौर से आए, बाद में अड़े और लड़े तब जीएडी आया था। अभी नेता प्रतिपक्ष पे नाम चला दिया, बुला लिया, इस बार तो लड़े और अड़े दोनों से काम नहीं चला। ये इनका सिर्फ उपयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो की स्थिति कांग्रेस ने सदैव से रखी है। मेरी पूरी सहानुभूति गोविंद सिंह जी के साथ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं जो बंगला खाली नहीं कर रहा है, धीरे धीरे हो जाएंगे प्रक्रिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।